ये डेली की तरह यहाँ चेकिंग चल रही थी, शाम के टाइम यहाँ चेकिंग चलती है संदिग्ध वाहनों आदि की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। राजस्थान से बताए जा रहे हैं, राजस्थान से इनके हेल्पर आए तो बता रहे, राजस्थान से ट्रक आ रहा था बजरी बजरकोट, इसमें भरा हुआ था, काफ़ी लोडेड था, ओवरलोडेड था, बहुत ही तेज़ और लापरवाही से वाहन चला रहा था ड्राइवर, उससे नियंत्रित नहीं हुआ, यहाँ डिवाइडर से लाके यहाँ पुलिस फोर्स बैठी हुई थी उसके ऊपर पलट गया ट्रक यहाँ पर आके, जिसमें हमारे हेड कॉन्स्टेबल श्री रामकिशन राणा जी बैठे हुए थे, बालकिशन बैठे हुए थे कॉन्स्टेबल, और कॉन्स्टेबल श्रवण कुमार जो कि इसके नीचे आ गए थे, जिसमें बालकिशन राणा ने बड़ी मुश्किल से रामकिशन राणा जी को बाहर निकाला, वो आधे दब गए थे इसमें, काफ़ी चोट आई है उनके उनके बाकी कंधे वगैरह में आ गई, बाकी चोट आई है। ड्राइवर के भी इसमें छुटपुट चोट आई थी, जिसके काफ़ी नशे में था उसको, तो फिर उसको उठा के फर्स्ट एड कराने के लिए हमने सरकारी अस्पताल उसको भेज दिया था। और क्या क्या नुकसान हुए इसमें? एक रामकिशन राणा जी के पास राइफल थी, वो जब दबे थे तो एक बहुत बड़ा पीस इसमें से लोहे का निकल के गिरा था, इसमें राइफल लग गई थी, इससे वो टूट गया, उसमें राइफल के दो टुकड़े हो गए, उसमें नीचे बट होती है वो दो पीस में डिवाइड हो गए, उसमें शुक्र कीजिए कि बस इनके राइफल से ही हो गया और हमारे हेड कॉन्स्टेबल उसमें नहीं आ पाए चपेट में, बाकी बजरी के नीचे आ गए।